हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, दुआ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ। मेरी गाड़ी है ठीक है भैया, इसकी गाड़ी है पर ये बॉम्ब नहीं फेंकता। अगर मेरी जाति धर्म संप्रदाय आपसे अलग है तो इसमें मेरा क्या बुरा है? मैं कुछ भी खाऊं लेकिन जिंदा आदमी को दाल डाल कर नहीं जलाता। कोई भी सच्चा धर्म मेरे ख्याल से इंसानियत सिखाता है, किसी को मारपीट करना नहीं सिखाता। तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है, इंसानों की बात है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। छह वामपंथी पार्टियां मिलकर ये ऐलान किया कि काला दिवस मनाया जाएगा। ये 25वीं सालगिरह है जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, और इसके अलावा भी कई सारे बुद्धिजीवी, कई सारे कलाकार, कई सारे लोग अपने अपने अलग अलग किस्म से इसका विरोध जो है जता रहे हैं कि आज 25 साल हो गया बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने का। सिर्फ एक कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का ध्वस्त होना नहीं, लेकिन पूरा का पूरा संविधानिक ढांचा जो आधुनिक भारत का है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, उसी के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला था। और 25 साल हो गए, एक भी अपराधी को आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। कई सारे कमीशन हुए, कई सारे रिपोर्ट्स आए, कई सारे लोगों के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए और वो चार्जेस फ्रेम करके उनको दोषी ठहराया गया, लेकिन कार्रवाई अभी तक एक भी नहीं। देखिए, जैसे आप जानते हैं, सहमत तो एक कलाकारों का मंच है, कलाकारों का, बुद्धिजीवियों का, लेखकों का, इतिहासकारों का। तो इस वक्त जरूरत है कि तमाम लोग इकट्ठे हों और इस सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाएं।